फाइनली इसके अंदर राइस और रे बाप रे ये आ गया भाई, यहां पर गया बता रहे ये आ गया, ये खुल गया और रे खा लिया भाई पूरी कुकर। यस सही भाई, बढ़िया बनाना भी प्लेट भी नीचे से लेकर के ऊपर तक ना पूरा गोल घुमा घुमा करके यहाँ पर ना मिक्स करा जा रहा है। ये चलेगा भाई अपना दूसरा पलटन चावल का पूरा लिया और ये चलेगा भाई गैस के ऊपर, लिया भाई और चावल और ये चलेगा सीधा अपने चिकन के मसाले के ऊपर में। अपना पीछे खाली हो चुका है ये, अरे वाह सारी इंग्रीडियंट डल करके चलो भाई एंजॉय करो। ये चले जाएगा भाई सीधा पीछे जिस जिसका भी ऑर्डर आएगा ना, ये देख लो भाई ये डाल दिया इसके अंदर। सबसे पहले चिकन कुकर बिरयानी बनने वाली है भाई यहाँ पर, ये चलेगा इसके अंदर और सारा चिकन आप डाल दो, ये क्या बात है। ये चलेगा भाई और सारा चिकन, ये चलेगा भाई अदरक लहसुन का पेस्ट, क्या बात है। ये टोटल कितने किलो चिकन बिरयानी बन रही होगी अभी अपनी? 40 किलो। और ये पूरी कुकर में बनती है? एक साल में कुकर बिरयानी का मार्केट पूरा टेक ओवर कर लिया है ना, बढ़िया। ऊपर से देख लो भाई इसके अंदर लाल मिर्च चलेगा, ये ऊपर से चलेगा भाई हल्दी पाउडर, गरम मसाला, अच्छा लौंग इलायची और गरम मसाला, बढ़िया। इलायची लौंग और गरम मसाले का भाई जो मिक्सर रहता ना वो डाल दिया इसके अंदर। ये आ गया भाई ऊपर से ढेर सारा नमक, बरिस्ता, ये ऊपर से आ गया भाई थोड़ा सा तला हुआ प्याज, ये आएगा भाई ऊपर से कच्चा प्याज काट काट के ना लंबा काट काट करके यहाँ पर ना लंबा और स्लाइस काट के यहाँ पर कच्चा प्याज पूरा का पूरा इसके ऊपर फैला दिया है भाई। अच्छा पुदीना, ये आ गया भाई ऊपर से पुदीना, ढेर सारा पुदीना डाल दिया। अब ये क्या मिर्ची चलेगी, खड़ी मिर्ची जाती है, और धनिया, हरा धनिया भी डाल दिया ऊपर से। अब जाएगा भाई इसके ऊपर दही, ये देख लो। अच्छा कितना कितना लीटर दही जाता होगा इसके अंदर? 8 किलो। अच्छा 8 किलो दही, क्या बात है। ये दही निकाल निकाल के ना पूरे के पूरे गंज के ऊपर फैला दिया, ताकि ना अच्छे तरीके से पूरा जितना भी चिकन है मसाले वो सारे के सारे ना मिक्स हो जाने चाहिए। अच्छा केवड़ा खुशबू के लिए डालता है, सारे के सारे आइटम डाल चुके हैं। और भाई अभी अपना ये जो पूरा का पूरा चिकन और मसाला है ना वो अच्छे तरीके से देख लो भाई, यहाँ पर ना अभी मिक्सिंग चालू हो चुकी है। ये देख लो पूरा नीचे से ऊपर तक के ना, मतलब ये चिकन और साथ में सब कुछ ना मिक्स हो जाना चाहिए, इसलिए उसको अच्छे तरीके से ना नीचे से लेकर के ऊपर तक के ना पूरा गोल घुमा घुमा करके यहाँ पर ना मिक्स करा जा रहा है। देख सकते हो भाई मसाले का कलर चिकन को चढ़ना चालू हो चुका है। यहाँ पर अपने कुकर पूरे के पूरे लग चुके हैं और इसमें आने वाला है भाई अपना चिकन और फिर पूरी की पूरी बिरयानी बनने वाली है। यही वो जगह जहाँ पर भाई आपको दम चिकन भी मिल जाएगा। ये देख लो एक कुकर में ऐसा कितना किलो बन जाता होगा? इसमें बनता है 7 किलो। अच्छा ये देख लो भाई ये चिकन से ना पूरे के पूरे कुकर को ना यहाँ पर भर दिया गया, लेनी हो चुकी है यहाँ पर लिया चिकन वापस से। ये देख लो भाई तो ये देख लो भाई यहाँ पर अपना तीसरा वाला कुकर यहाँ पर रेडी हो रहा है और साथ ही में देख लो भाई ऊपर से तेल भी आ गया पूरा ना चिकन से इसको भर देगा। अब जैसे ये बड़ा है तो इसमें कितना किलो बनने वाला है? 7 किलो। सेम 7 ही किलो। अच्छा ये देख लो भाई यहाँ पर ना चिकन से अपने तीनों के तीनों कुकर जो है ना वो भर दिए गए, अभी ऊपर से चावल वगैरह सब कुछ आने वाला है, तेल भी डाल दिया इसके अंदर, क्या बात है। तेल से भी अच्छे तरीके से ना चिकन को पूरा मिक्स कर दिया भाई। अभी अपनी राइस की प्रिपरेशन होने वाली है जिसके लिए देख सकते हो भाई ये गंज भर के ना यहाँ पर पानी ले लिया गया, ऊपर से चलेगा भाई नमक, ये आ गया तेज पत्ता, इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहती है? अच्छा लौंग इलायची वगैरह सब कुछ डाला हुआ है इसके अंदर। तो भाई ये चावल को ना पूरा पानी सोख दिया और ये चलेगा भाई चावल सीधा अपने यहाँ पर गंज के अंदर है पूरा, ये चलेगा भाई अपना दूसरा पलटन चावल का पूरा। तो यहाँ पर देख लो भाई अपना चिकन जो रेडी कर रखा था ना वो निकाल लिया और ये चलेगा भाई गैस के ऊपर, बढ़िया। तो भाई अपना राइस जो है ना वो अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है भाई तेज पत्ते वगैरह के साथ में और जितने भी खड़े मसाले थे उसका बॉयल हो चुका है और अब ये निकाला जा रहा है ताकि भाई जितना भी पानी है ना इसके अंदर का वो अलग हो जाए और छान करके चावल जाएंगे भाई अपने कुकर के अंदर में। ये आ गया चावल और ये चलेगा भाई सीधा अपने कुकर के अंदर में जिसके अंदर भाई पूरा का पूरा चिकन डाल रखा था, ये ले लिया भाई और चावल और ये चलेगा सीधा अपने चिकन के मसाले के ऊपर में, मतलब कुकर देख लो भाई अच्छे तरीके से ना ऑलमोस्ट यहाँ पर भरा गया और ये चलेगा भाई तीसरा सबसे बड़ा जो कुकर है ना इसमें भी आ गया, क्या बात है। तो ये देख लो भाई पूरे के पूरे चावल को ना पलटा दिया भाई कुकर में ऊपर तक के यहाँ पर अपना ना कुकर भरा गया भाई, पहले दो कुकर तो चढ़ गए थे और ये आ गया भाई अपना तीसरा कुकर, तो ऊपर सबसे पहले आ गया तेल, बढ़िया क्या बात है। ये कर दिया भाई कुकर को कवर, ये आ गया भाई यहाँ पर और इसको भी कर दिया भाई अपने दूसरे वाले कुकर को कवर, चलो देखते कि भाई अपना जो बिरयानी है पक्के निकलती कैसे। रेडी अपनी बिरयानी, तो
भाई बिरयानी जो है आप नया बता रहे हो भाई साहब, आपने देखा भाई कितने बड़ा इसके ऊपर से भाप उठ करके निकला। पहली बिरयानी खुल गई, ये आगे भाई अपने दूसरा वाला कुकर खुल गया, ये आगे ये खुल गया भाई अपना दूसरा कुकर, और अब भाई फाइनली खुलेगा अपना तीसरा कुकर। अरे वाह, तो ये देख लो भाई यहाँ पर अपना तीनों की तीनों जो बिरयानी है ना ये रेडी हो चुकी है, और अभी जाएगा इसके ऊपर हल्का सा कलर। ये चलेगा सबसे पहले ऑरेंज, आ गया भाई ऊपर से लाल कलर, अरे बढ़िया लाल कलर भी डाल दिया सही। तो ये देख लो भाई यहाँ पर अपनी बिरयानी जो है ना वो पक कर के तैयार है, इसकी जो फ्रेगरेंस आ रही है ना भाई चिकन की दम राइस की इतनी बढ़िया आ रही है ना, इसको सर्व किस तरीके से करेंगे अभी पलटाएंगे पूरा। अच्छा ये उठा लिया भाई पूरे कुकर, ये आ गया पहला सही भाई, इतना बढ़िया लग रहा है ना, मैं दिखने में इतना सही लग रहा है, तो इसका टेस्ट कितना बढ़िया होने वाला है, प्लेट भी लगवाऊंगा। तो भाई अभी देख लो अपना जो बिरयानी तो तैयार हो चुकी है ना, ये जा रही है भाई बड़े गंज के अंदर में, कलर चिकन तेल सब कुछ इसके अंदर डाल रखा था भाई, मसालेदार पूरा का पूरा चिकन पूरा प्रोसेस आपको दिखाया, अभी प्लेट भी लेकर के दिखाऊँ कि भाई ये है कैसा। अब ये तीनों खाली कर दोगे, अभी एक ही करोगे? अच्छा ये देखो ये पूरे का पूरा ना राइस पूरा खाली करेंगे, फिर एंड में आएगा पूरा चिकन, चिकन ऊपर सबसे ऊपर आएगा। अच्छा अच्छा चिकन इसमें अलग से आएगा और चावल उसके ऊपर। ये देख लो सबसे पहले ना पूरा का पूरा जो राइस है उसको खाली कर रहे हैं, फिर अलग से गंज में चिकन निकलेगा, फिर उसके ऊपर से वापस से राइस जाएगा। दो अपने यहाँ पर कुकर देख सकते हो भाई खाली हो चुके, मतलब चावल जो है खाली कर दिया भाई, चिकन पूरा का पूरा देख सकते हो अच्छे तरीके से पकड़ के नीचे रेडी है, ये खाली हो रहा है भाई अपना तीसरा वाला कुकर, राइस अपना पीछे खाली हो चुका है, ये खाली हो रहा है भाई चिकन, ये आ गया भाई अपना चिकन की पलटी। अरे वाह भाई, इस तरीके से इतने सारे इंग्रीडियंट डल करके इतना ज़्यादा देर दम होने के बाद भाई बिरयानी अपने साथ पहली ही जगह देखी होगी निज़ाम अंसारी बिरयानी, भाई चिकन भी पूरा का पूरा पलटा दिया, और अब जा रहे हैं अपने फाइनली इसके अंदर राइस, और रे बाप रे भाई ये पूरा का पूरा गंज भर के ना भाई अपनी चिकन बिरयानी जो है वो अपनी रेडी है। तो ये डाल दिया भाई पूरे के पूरे चावल के ऊपर ना तेल, और आप देख रहे हो ना भाई कलर जो इसको चढ़ चुका ना सैफरन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। तो भाई ये देख लो चिकन बिरयानी जो है ना अपनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और अब ये आ रही है भाई फाइनल अपने इस प्लेस पर, और यहाँ पर अब प्लेटिंग होगी पूरी की पूरी। तो भाई देख लो यहाँ पर ना अपनी प्लेटिंग चालू नहीं है, ये अपना तो भाई देख लो यहाँ पर अपनी प्लेटिंग चालू हो चुकी है बिल्कुल, किस तरीके से भाई ये पूरा यहाँ पर सजने वाला है ना भाई, ऊपर पूरा 7 से 8 हाफ लग रहे हैं भाई यहाँ पर, जिसमें एक हाफ में दो दो पीस चिकन आता है और भाई ऊपर से राइस आता है, मसालेदार बिल्कुल भाई अपने यहाँ पर चिकन रेडी है, और बिरयानी तो भाई जो फ्रेगरेंस आ रहा है इसका मतलब एक्चुअल बिरयानी का फ्रेगरेंस, ये देख सकते हो भाई अपनी पूरी की पूरी प्लेटें लगने वाली है। ये आ गया भाई ये देख लो ये, और ऊपर से ये जो तरीका है ना भाई पूरा चावल पहले निकाल दो ऊपर से एक बार चाप मार दो कि पूरा एकदम बिल्कुल ना प्लेन सा बन जाता है, इसको सर्व किसके हाथ करते हैं, क्या चीज़ मिलती है इसके साथ में? दाल दाल रहती है। अच्छा दाल सालन जिसको बोलते हैं, और सालन में सालन में कुछ भी नहीं रहता है, यानी बस दम चिकन अपने। अच्छा और दाल इसके बिरयानी के साथ कंपलसरी दाल रहती है। अच्छा कंपलसरी दाल रहती है ठीक है। ये देख लो भाई चावल, और ये देख लो भाई जो प्लेटिंग अपनी यहाँ पर हो रही है 7 से 8 हाफ बढ़िया बिल्कुल 60 रुपये हाफ प्राइस रहेगा, और कितना फुल कितना रहेगा? फुल 100। अच्छा 100 रुपये फुल प्राइस रहेगा। ये देख लो अभी अपने आखिरी के यहाँ पर अभी 2 हाफ लगने वाले हैं। ये देख लो लोकेशन अगर आपको बता दूँ, निज़ाम अंसारी बिरयानी रेलवे स्टेशन के बैक साइड में लोकेटेड है, टाइमिंग मिल जाएगी भाई सुबह 11 से लेकर के तो रात के 11 बजे तक के, बढ़िया। अच्छा रात के 10 बजे तक के। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद है तो किसी को लाइक कर लो, चैनल पे ना तो फॉलो कर लो, मिलता हूँ किसी से बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो। ये चले जाएगा भाई सीधा पीछे, जिस जिसका भी ऑर्डर रहेगा ना चले जाएगा भाई पीछे, जरूर से विजिट करना, बताना कि आपको ये लगा कैसा।